थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में सीएलपी इंटर कॉलेज ढेमा पीपरपुर मांधाता प्रतापगढ़ के बच्चों द्वारा निकाली गई प्रभात रैली। प्रयागराज से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। मैं राकेश कुमार, फास्ट न्यूज इंडिया। सर आप ये बताइए, जो आप रैली निकाल रहे हैं बच्चों की, ये रैली के माध्यम से आप जन जन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? पहले तो माननीय पत्रकार बंधु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैं ये चाहता हूँ कि ये तिरंगा यात्रा से, ये हमने जो बच्चों का प्रभात यात्रा थी, इससे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जागृत हो, ये हमारा उद्देश्य था इस रैली इस कार्यक्रम करने को। जी जी सर, आपका परिचय? सर मैं सीएलपी इंटर कॉलेज डायरेक्टर। जी जी जी, ये बताइए सर आपके इस विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने की कैसी व्यवस्था है? सर हम उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए अपने अध्यापकों के साथ, मैं खुद स्वयं हमेशा दाते पर रहता हूँ, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आने वाले देश के भविष्य हैं, इसलिए इनको संवारने और निखारने का काम हम लोग पूरी मजबूती के साथ कर रहे हैं। थैंक यू सर। औरंगाबाद जिला देव प्रखंड के राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय में 5 दिनों से एनसीसी बच्चे के चल रहे ट्रेनिंग को लेकर औरंगाबाद डीएम राहुल रंजन महिवाल देव पहुंचे। उन्होंने देव पहुंचकर प्रशिक्षण कर रहे बच्चों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग से बच्चों को फौज में जाने का मौका मिलता है और शुरुआती बुनियाद में कैसे कैसे सिखाया जाता है वह बच्चों को जानकारी मिलती है। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न स्कूलों से करीब 500 लड़के व लड़कियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण में उपस्थित कर्नल एके सिन्हा, सूबेदार मेजर टीओ अजीत कुमार, आर के उपाध्याय, सुशांति कुमारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। पता है कि एनसीसी की तरफ से कर्नल साहब हैं, सिन्हा साहब और पूरी टीम है। 10 दिनों का कोर्स हम लोग गर्ल्स एंड बॉयज, लड़के और लड़की कैडेट्स के लिए करते हैं, जिनको युद्ध कौशल, शूटिंग, निशानेबाजी, अनुशासन, फौज में कैसे काम करना रहता है, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, फौज की बारीकियाँ, उसका शुरुआती बुनियादी ज्ञान यहाँ मिलता है 10 दिनों में, अपने घर से दूर रहकर बिल्कुल ही अलग परिवेश में, यहाँ अपने दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ, इन सारे गुणों को वो सीखते हैं। तो राजा जगन्नाथ स्कूल देव, जो बहुत मशहूर है, अच्छा परिसर है इनका, हर साल यहाँ एनसीसी करते हैं यहाँ, उसी में आज इस साल का ये कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी खुश हैं, हमने इंटरेक्शन किया, बातचीत की बच्चों से, ट्रेनर से मिले, काफ़ी संतुष्ट प्रफुल्लित हैं और यहाँ से वो रिचार्ज, नया एकदम जोश से वापस अपने आगे के काम में फिर लौटेंगे वो अगले सप्ताह। ये सभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।